सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से सबसे बचना सही है, पर खाली अपनी जो धर्म पत्नी है उससे कैसे बच पाए, वो तो बिना परपंच के रह नहीं पाती। और ये दास ये सोचता कि इस वाणी से एक शब्द भी ना निकले और उन लोगों को तो परपंच नहीं करो। कहाँ है पत्नी आपकी? है तो घर पे ही, अब ये ब्रह्मचारी रहना चाहता है पूरा आजीवन बचित। एक बच्चा हो गया अभी 1 साल का है। नाना ब्रह्मचर्य अच्छा है, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के सिवा किसी और स्त्री को ना देखे, वो पत्नी के संग ही रहे, पत्नी अपने पति के सिवा किसी पर पुरुष को ना देखे, केवल पति के संग ही रहे, ऐसा गृहस्थ ब्रह्मचर्य ही माना जाता है। जो अपनी पत्नी और अपने पति के सिवा किसी को ना देखे, किसी को देखना ब्रह्मचर्य का भंग है। अपनी पत्नी के संग गृहस्थ में रहना ये गलत नहीं है, ये सही है। इसलिए पत्नी के संग हो, गृहस्थ में हो, तो गृहस्थ में भक्ति अच्छी है। लेकिन सांसारिक सुख आपको नहीं लेना, पर आपकी पत्नी यदि लेना चाहे तो फिर आपका धर्म है पति के नाते कि आप गृहस्थ के हर कर्तव्य का निर्वहन करें। जी गुरुजी, मैं फिलहाल बहुत परेशान हूँ। किससे? खुद से ही। अच्छा, मैं परेशान इसलिए हूँ गुरुजी, मेरी 25-26 साल की आयु हो चुकी है उम्र, और अब तक की बस बंधन में नहीं बंधा, शादी नहीं हुई। वो कह रहे हैं हम मुक्त होना चाह रहे हैं। गलत कह रहे हैं गुरुजी। और आप कह रहे हैं बंधना चाह रहे हैं। नहीं नहीं गुरुजी, ब्रह्मचर्य का पालन मैंने सुना था 25 वर्ष तक होता है, वो अच्छा है। हाँ तो शादी कर लो, किसने मना किया? नहीं गुरुजी, हमारी बिरादरी जो है थोड़ी वो होगी, जाट होगी जी। क्या? जाट। जाट जी, ठीक है। तो हमारी बिरादरी मतलब होती नहीं जी, जिसकी नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए, मतलब सरकारी कर देते हैं शादी, और जो दूसरी बिरादरी से करते हैं, पिताजी बोलते हैं कि वरण संकल औलाद पैदा होती है। तो ये गुरुजी सही है कि गलत है पिताजी की बात? तो आप कुछ काम धाम नहीं करते? खेती बाड़ी करता हूँ गुरुजी। कितनी खेती है? 11 बीघे। तो आपके कितने भाई हैं? 2 भाई हैं जी। तो आप तो फिर किस जमींदार हो? जमींदार तो है गुरुजी, पर धरती तो थोड़ी है, पर काम करता रहूँ कुछ ना कुछ। हाँ तो लड़की वालों को बताओ कि भाई हम भी जमींदार हैं। जी गुरुजी वो बात नहीं, लड़के वाले तो आते नहीं ना, जिसकी सरकारी नौकरी लगे उसे ही पूछे ना। अरे तो आप बताओ कि भाई हम भी कम नहीं है, जमीन है हमारे पास, बस देंगे। मेहरबानी ऐसी कर दो जिससे कि मेरा शादी हो जाए। हो जाएगी। मैं बहुत परेशान हूँ। सवेरे पीपल में जल चढ़ाया करो, शाम को दिया जलाया करो घी का, पीपल पर जी गुरु करो रोज ऐसा। धन्यवाद, बिहारी जी कृपा करेंगे।